आप सब अजीब सी मैथ्स लगा के एक नई सी थ्योरी दे दी, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, आप प्रूव करो कि आप सही हो। उसने कहा ठीक है मैं करता हूँ। हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि आप ये प्रूव कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन या छोटा पार्टिकल एक पर्टिकुलर रेडियस के अंदर नहीं जा सकता, उसको घूमने के लिए एक जगह चाहिए। मैंने कहा मुझे नहीं समझ में आया। उसने कहा आप जिस जगह खड़े हुए हो। मैंने कहा हाँ खड़ा हुआ हूँ मैं। आप कितनी देर तक खड़े रह सकते हो? मैंने कहा बहुत देर तक खड़ा रह सकता हूँ मैं, ये लो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही मुझे तो खड़े होने में। उन्होंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हो क्योंकि आप में मास बहुत ज़्यादा है, तो आप खुद ही देख लो कि आपके अंदर मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? तो मेरी थ्योरी मास बहुत ज़्यादा पार्टिकल के लिए लग नहीं रही है, मेरी थ्योरी लग रही है उन पार्टिकल के लिए जो बहुत कम मास रखते हैं। मैंने कहा ये तो आपने अच्छा सा घुसा दिया क्योंकि मेरी तो पोजीशन मालूम है, मोमेंटम मालूम है, मेरे तो एरर दोनों में जीरो आ रही है। तो उसने कहा नहीं मेरी उनके लिए लग रही है जो बहुत स्मॉल पार्टिकल है। अपनी बात को ऐसे घुमा दिया। मैंने कहा ठीक है चलो, तो स्मॉल पार्टिकल है तो कैसे करेंगे? उसने कहा आप इलेक्ट्रॉन को व्यू करो। मैंने इलेक्ट्रॉन की इमेज बना ली, हाँ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है। आप प्रोटोन को व्यू करो। मैंने कहा प्रोटोन थोड़ा बड़ा है लेकिन इलेक्ट्रॉन से बड़ा है, बाकी छोटा ही है। उसने कहा अब इमेज दोनों की बना लो कि इनको मिनिमम कितनी एरर चाहिए रहेगी। मैंने कहा यार ये क्या क्वेश्चन है? उसने कहा ये है हाइजेनबर्ग का एक नया कंसेप्ट। तो हाइजेनबर्ग क्या बोलता है इस जगह, ध्यान से सुनिएगा। तो हाइजेन इस जगह बोलता है कि इलेक्ट्रॉन नॉट प्रेजेंट, कैन नॉट प्रेजेंट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। मैंने कहा ये बात तो हम हर को पहले ही बता चुके, रदरफोर्ड और वो बता चुके, आप क्या बता रहे हो? उन्होंने कहा उन्होंने थ्योरी दी है कि नॉट प्रेजेंट, लेकिन क्यों नॉट है वो नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इलेक्ट्रॉन कैन नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। व्हाई? इस क्वेश्चन का आंसर वो नहीं दे सकते। मैंने कहा चलो सुन लो, थोड़ा सा लपेट लेते, इतने बड़े बड़े फॉर्मूले दे रहा है, लपेटना शुरू कर दिया मैंने। तो उसका ये कहना था कि इसको प्रूव करता हूं मैं। मैंने कहा करो। उसने कहा एज्यूम कर लो। मैंने कहा ठीक है एज्यूम क्या करना है? लगा एज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। मैंने कहा यार गजब कर रहे हो, जिस चीज के अगेंस्ट में जा रहा है उसके अपोजिट एज्यूम कर रहे हो। मैंने कहा करो तो सही, एज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। मैंने कहा ठीक है अब एटम का डायग्राम बनाओ। मैंने बना लिया। अब इलेक्ट्रॉन का डायग्राम बनाओ, सॉरी न्यूक्लियस का डायग्राम बनाओ। बना लिया और अब लिख दो कि इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं पर भी है। मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसने कहा एज्यूम कर रहे हो आप, एज्यूम तो कुछ भी कर सकते हो, कर सकते हो कि कैटरीना आपकी वाइफ है, कर सकते हो, कोई मना थोड़ी ना करेगा, एज्यूम ही तो करना है। तो मैंने कहा ये चीज सही थी। तो ये इलेक्ट्रॉन को आपने एज्यूम कर लिया न्यूक्लियस में। अब बताइए कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी होगी? मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन पोजीशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगी, मेरे न्यूक्लियस के ऊपर मान रहा हूं और ज्यादा ज्यादा वो सर्कमफेरेंस में होगा या सर्कमफेरेंस पे मानूंगा, हो सकता है वो सेंटर में हो, इससे ज्यादा तो न्यूक्लियस, इससे ज्यादा एरर तो नहीं हो सकती, ठीक है नियर अबाउट टू थ्री टू टाइम्स मान लो, और क्या मानोगे? तो ये किस ऑर्डर की हो गई? 10^-15। समझ में आ रहा है? तो अब अगला पॉइंट, तो मिनिमम पॉसिबल एरर इन मोमेंटम या इन वेलोसिटी निकालो मेरे फॉर्मूले से। मैंने कहा आपका फॉर्मूला क्या था एक बार याद तो दिलाओ। डेल्टा एक्स पोजिशंस मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी एच अपॉन 4π एम भी आता है, जब वी आता है तो यहाँ एम आता है या नहीं आता? आता है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू तो आपके पास कितनी है सॉल्व करते वक्त? डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? 10^-15। डेल्टा वी आपको निकालना है, एच की वैल्यू 6 × 10, राउंड फिगर में 6.62 × 10^-34, 4π की वैल्यू 3.14, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 9.1 × 10^-31। तो ये 31 ऊपर जाएगा, ये 15 उधर आएगा,
तो आप मुझे बताएं डेल्टा वी किस ऑर्डर का हो जाएगा? तो ये आएगा 10 की पावर माइनस 4, ये उधर जाएगा 10 की पावर, नाना करते हुए भी 11 तो आ ही रहा है, प्लस 11, क्योंकि पूरा क्वेश्चन एमकेएस में कर रहा था मीटर पर सेकेंड। उन्होंने कहा हाँ, अब बताइए क्या ये वैल्यू पॉसिबल है? क्या नहीं है? क्योंकि वेलोसिटी आपकी लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती, और जब वेलोसिटी लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती तो एरर लाइट वेलोसिटी से ज़्यादा कैसे हो सकती है? मतलब एरर ज़्यादा है, इसका मतलब वेलोसिटी तो पता नहीं क्या होगी। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसने मेरे से पूछा क्या ये पॉसिबल है? मैंने कहा नहीं यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज डेल्टा वी कैन नॉट, इस जगह लिखना पड़ेगा डेल्टा वी कैन नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, सी से ज्यादा क्या होगा? और जब एरर ही सी से ज्यादा नहीं हो सकती तो नॉट पॉसिबल, और ये नॉट पॉसिबल जो चीज आ गई ये नॉट पॉसिबल है, तो आपने जो एज्यूम लिया है वो भी नॉट पॉसिबल होगा। मैंने कहा यार ये तो अलग ही तरह से घुमा रहा है, मेरे से 3 बार कबूल 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 करा लिया, शादी करा देगा बिल्कुल ही, ठीक है ना? ये तो बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है जैसे अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल, काबुल हो गया, अब ये तो कबूल ही हो गया। हाँ यार सही है, तो ये तो एज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? हाँ कबूल है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, वाई? तो इसका मतलब ये नॉट नहीं है, तो इसका मतलब जो मैंने एज्यूम करा था वो भी पॉसिबल नहीं है, और नहीं है तो इसका मतलब साफ है। रिजल्ट क्या बनता है? इससे रिजल्ट बनता है इलेक्ट्रॉन या उससे छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एंड स्मॉलर पार्टिकल, स्मॉलर पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट एग्जिस्ट इन इन 10^-15 रेडियाई स्पेस। इतनी छोटी स्पेस में नहीं रह सकते। तो मेरा अगला क्वेश्चन प्रोटॉन, उसने कहा प्रोटॉन का मास देखो क्या होता है? मैंने कहा क्या होता है? उसने कहा यहां पर कितना आ जाएगा? 27। मैंने कहा हाँ 27 आ जाएगा। तो 27 आया तो कितने जीरो का फर्क पड़ा? चार, चार जीरो का फर्क पड़ेगा, तो यहां पर 11 की जगह क्या आ जाएगा? 7। क्या पॉसिबल है? हाँ, क्योंकि 3×10^8 होती है, वो तो पॉसिबल है। तो उसने कहा प्रोटॉन के लिए तो पॉसिबल है, क्योंकि प्रोटॉन हैवी पार्टिकल है, तो हैवी पार्टिकल जितना होगा वो कम एरिए वाली स्पेस में रह सकता है। तो इनडायरेक्टली आप बहुत हैवी पार्टिकल हैं, तो आप छोटी जगह पे भी रह सकते हैं। मैंने कहा इतना बड़ा हैवी पार्टिकल, क्या 10^-7 में रहूंगा क्या यार? आ ही नहीं पाऊंगा, वो अलग बात है, लेकिन जितना हैवी पार्टिकल होगा उसके अकॉर्डिंग वो उतना ही छोटी जगह में रह सकता है, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रह सकते हैं। समझ में आ रही है बात? छोटे पार्टिकल नहीं रह सकते। तो मैंने ये कहा रेडियो एक्टिव रिएक्शन में तो अल्फा बीटा पार्टिकल, बीटा भी तो इलेक्ट्रॉन है, वो तो निकलते हैं, फिर वहां क्या दिक्कत है? उसने कहा वो प्रोड्यूस होते हैं रिएक्शन के दौरान, पहले से अवेलेबल नहीं होते और प्रोड्यूस होते हैं और वो रह नहीं सकते, इसलिए वो हाई एनर्जी के साथ बाहर निकलते हैं। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब वो एक न्यूट्रॉन डिसोशिएट होता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन तो रह जाता है लेकिन इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग, तो वो न्यूक्लियस को छोड़ना उसकी मजबूरी है, वो बाहर निकल जाता है। तो मैंने कहा ठीक है जो भी है, और निकलने के पीछे एक ही लॉजिक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से एक लॉजिक ये भी है। तो आपका काम चल गया, यानी इलेक्ट्रॉन यानी इतने पार्टिकल प्रोड्यूस हो गए तो निकल सकते हैं, लेकिन पहले से उसमें हो और निकले ऐसा पॉसिबल नहीं है। तब आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? लिखें इसको, ये अपने आप में एक अलग ही थ्योरी लेके आया। ये कह के आता है कि भाई आप छोटे जो पार्टिकल है स्मॉल पार्टिकल की बात करते हैं, तो उनके लिए आप मोमेंटम एंड पोजीशन एक साथ नहीं बता सकते, बहुत बड़ा डेरिवेशन करके वो लेके आता है, और कहता है अगर आप मोमेंटम में एक्यूरेसी लाते हैं तो पोजीशन में एक्यूरेसी बिगड़ जाती है, और पोजीशन में लाते हैं तो मोमेंटम में एक्यूरेसी बिगड़ती है। तो हमने उसे कहा आप कहना क्या चाहते हैं, फाइनल एक लाइन में बताएं। उसने यही कहा, उसने पहला ये कहा द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ एरर इन पोजिशंस
ठीक है, लिखते जाए मेरे साथ, एंड एरर इन मोमेंटम, मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर, इक्वल और ग्रेटर एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई। तो एरर इन मोमेंटम डेल्टा पी, एरर इन पोजीशन डेल्टा एक्स, ये इक्वल और ग्रेटर होगा एच अपॉन 4 पाई। हमारा हाइजेनबर्ग से पहला क्वेश्चन ये था कि आप रिलेशन कहाँ से लाए। तो मैं आपको बता दूं, हाइजेनबर्ग अपने आप में एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है। उसने पूरी प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सब चीज़ें लगा के, अपनी हाई लेवल की डिफरेंशिएशन इक्वेशन लगा के ये डेरिवेशन जनरेट किया। लेकिन डेरिवेशन जनरेट के करने के दौरान उसने बहुत सारे अजम्पशंस लिए। तो कुछ व्यक्ति विशेष साइंटिस्टों के का मानना था कि अजम्पशन उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितने रहना चाहिए। तो कुछ साइंटिस्टों के डेरिवेशंस में या अजम्पशंस अलग लेने पर ये एच अपॉन 2 पाई आ रहा है, किसी के लिए एच पॉइंट एच बाई 8 पाई हो रहा है। तो हमारे सिलेबस में क्योंकि जो सबसे पहले देता है हम उसी को पढ़ते हैं इस जगह, बाकी एग्जैक्ट क्या होगा ये कहना अभी भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं कि हाइजेनबर्ग ये कहता है कि इन दोनों की एरर का प्रोडक्ट एच अपॉन 4 पाई आएगा। तो यानी कि अगर एटम के अंदर आप इसकी एरर कम करेंगे तो इसकी एरर बढ़ जाएगी, इसकी एरर कम करेंगे तो इसकी एरर बढ़ जाएगी। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट है। मैंने कहा कि इससे तो न्यूमेरिकल बनेंगे नहीं, और हम तो इंडिया ने हम तो करते ही न्यूमेरिकल पे बात है। तो न्यूमेरिकल करने के लिए आपने क्या किया, इसको आपने ये कंडीशन ले ली कि दोनों का प्रोडक्ट आपने इक्वल मान के करना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ आपके पास दो बातें निकल के आती है। पहली चीज डेल्टा पी क्या है, एरर इन मोमेंटम, और यहां क्या निकल के आ रहा है आपके पास, एरर इन पोजीशंस। अगर आप यहां पर डेल्टा पी निकालना चाहते हैं, डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स आपके पास टेंस टू जीरो है, यानी एरर ही नहीं है, एरर लेस क्वांटिटी है। टेंस टू जीरो का मतलब एरर लेस। तो मान के चलिए आप कितना ही कुछ कर लें, डेल्टा पी में एरर जो आएगी वो इनफाइनाइट आएगी, बहुत ज्यादा आएगा। एक चीज जीरो होगा तो दूसरा, और दूसरी तरफ ये चीज यहां पर भी लगेगा, डेल्टा पी की जगह आप डेल्टा एक्स निकालना चाहते हैं तो एच अपॉन 4 पाई आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा पी हो जाएगा। और डेल्टा पी अगर आपके पास बहुत ही कम है, जीरो आ रहा है, किसी इक्विपमेंट से आपने करा और एरर बहुत ही कम आ रही है, एरर लेस आ रहा है, तो साइमल्टेनियसली उसी समय आप मान तैयार हो जाओ कि एरर इन पोजीशन आपके पास क्या रहेगा, इनफाइनाइट। चलिए ये तो रहा आपके पास थोड़ा सा पॉइंट। अब कुछ और भी पॉइंट आपका इंतजार कर रहे हैं, डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स आपके पास क्या होगा, एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई होगा, यस। और अगर आपके पास एच अपॉन 4 पाई होगा तो यहां पर डेल्टा, मैं आपके साथ फिर हूं, डेल्टा पी की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, एम डेल्टा वी लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी एरर होती है डेल्टा पी, पी का मतलब मोमेंटम, और मोमेंटम की वैल्यू एम वी होती है। तो एरर किस में होती है, मास में तो होने से रही, इलेक्ट्रॉन का मास तो वही रहेगा, एरर किस में होगी, वेलोसिटी में। तो जब आप डेल्टा पी की वैल्यू ये रखते हैं तो आपके पास एक और फॉर्मूला बनता है, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स, ये एक्स अलग तरह का बनाओ, इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम लगेगा। तो कब एम लगेगा, जब यहाँ वी है, कब एम नहीं लगेगा, जब यहाँ पर पी है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके कुछ खास पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना, हर चीज को बहुत ध्यान से देखना है। तो ये हमारे पास आ रहा है डेल्टा वी। अगला पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, फिर
डेल्टा वी की वैल्यू कैसे निकालेंगे या डेल्टा एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे इस जगह। डेल्टा वी की वैल्यू होती है जो भी वेलोसिटी गिवन है, परसेंटेज एरर वो खुद बोलेगा, परसेंटेज एरर और डिवाइडेड बाय 100। इस तरह से आप डेल्टा वी की वैल्यू निकालेंगे। तो डेल्टा वी की वैल्यू वी डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे, वी डिवाइडेड वी मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर जितनी दे रखी है और 10। समझ में आ रहा है? यानी आपसे बोल सकता है कि मेरे पास ये है। अच्छा एक और चीज है, ये तो वी से रिलेटेड है, डेल्टा एक्स से रिलेटेड भी दे सकता है वो। तो डेल्टा एक्स से रिलेटेड वो कैसे देगा, वो ऐसे देगा एक्स प्लस माइनस जो भी दे रहा है 10, कुछ भी हो सकता है, ये एंगस्ट्रम में भी हो सकता है। तो डेल्टा एक्स क्या होगा, यानी कहने का मतलब है एक्स में प्लस 10 की एरर हो सकती है या क्या हो सकती है, माइनस 10। तो मैक्सिमम पॉसिबल जो एरर है वो डेल्टा एक्स क्या होगा इस जगह, अगर आपको एक्स उल्टा लिखना पड़ेगा, आपको एक्स यहाँ लिखना पड़ेगा, एक्स दिया हुआ है आपको प्लस माइनस मतलब एक्स के जो लिमिट दे रखी है वो इस तरह से दे रखी है प्लस माइनस 10 एंगस्ट्रम। तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होगी बच्चों उस जगह आपको लिखना पड़ेगा 10। क्या लिखना पड़ेगा? 10। तो ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि वो कैसे दे रहा है, और जैसे भी देगा आपको उस फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। एच यहाँ पर क्या है, प्लांक कॉन्स्टेंट है, तो एच यहाँ पर प्लांक कॉन्स्टेंट है और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻¹¹ जूल सेकंड। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप पूरे एमकेएस यूनिट में ही करेंगे इस क्वेश्चंस को। तो ये छोटा सा आपके लिए एक फ्लो चार्ट हो गया जो आपको हेल्प करेगा सभी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। बाकी प्रैक्टिस तो मैं आपको करा ही दूंगा। तो कुल मिला के आपके पास ये भी आ गया। तो यहां से एक और आपके पास फॉर्मूला बनेगा और वो बनेगा डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है या डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो सकती है। डेल्टा वी की वैल्यू होगी एच अपॉन 4πm डेल्टा एक्स। और अगर आप इससे ही और फॉर्मूला लगाना चाहते हैं डेल्टा एक्स, तो एच अपॉन 4πm डेल्टा वी। इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनेंगे।